वर्षों से मामला अदालत में है और उससे भी लंबे समय से यह परिवार परेशान रहा है। रोहित शेखर 34 साल के युवा, उनको बेटा मानने के बाद कांग्रेस नेता एनडी तिवारी की फैमिली फिल्म का क्लाइमैक्स होते होते हो गया है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। तिवारी ने उज्ज्वला शर्मा और रोहित शेखर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के सामने रोहित को अपना बेटा माना। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा एनडी तिवारी ने और क्यों उठ रहे हैं ढेर सारे सवाल। और मैं स्वीकार करता हूं कि ये जो हमारी पकड़ बैठे हैं ये मेरे जैविक पुत्र हैं। पुत्र कहिए, जैविक पुत्र बार बार मत कहिए। पुत्र तो पुत्र होता है। पुत्र 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 सुपुत्र आपने सुपुत्र हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अजीबोगरीब थी जो अब से थोड़ी ही देर पहले हुई, जिसमें एनडी तिवारी बार बार सवाल पूछे जाने पर क्या आप रोहित शेखर को अपना बेटा, उत्तराधिकारी और वारिस मानते हैं, वो इसका जवाब देने को तैयार नहीं थे। बार बार जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते तो उसके बाद वो पत्रकारों से ही पूछने लगते आप क्या चाहते हैं। पत्रकार कहते आप बताइए आप क्या चाहते हैं, आपका बेटा है ये। उस पर एनडी तिवारी कविताएं कहने लगते, कहते जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, और उसके जवाब में किसी ने यह भी कह दिया तो अब जाग जाइए। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हुई तो कैसे पिता ने बेटे को गले लगाया। यहां भी दोनों की बात चल रही है, कानाफूसी चल रही है। मेरी मां को सम्मान दीजिए, ये बात रोहित शेखर ने कही। उसके बाद उज्ज्वला शर्मा के सिर पर हाथ रखा एनडी तिवारी ने और उस हाथ को धीरे से हटाकर उज्ज्वला शर्मा ने कुछ देर बाद उनका हाथ पकड़ा। इस वक्त रोहित शेखर लाइव हमारे साथ हैं। रोहित, हम ये विजुअल्स देख रहे थे, हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मैं आपको ध्यान से देख रहा था, आप कभी अपना सिर पकड़ के बैठे थे, कभी अपना आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो पल जो आपके लिए सबसे बड़ा पल हो सकता था जिंदगी का, जब वो खुलकर पूरी दुनिया के सामने कहते कि आप ही उनके बेटे हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके वारिस हैं, वो पल जब आया तो आप इतने परेशान क्यों लग रहे थे? रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? ओबी वाले फोन पे लगता है रोहित हमें सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको ये विजुअल भी दिखाते हैं कि कैसे रोहित शेखर बार बार भावुक होते रहे, पत्रकारों से बात भी करते रहे। स्पष्ट करने का मौका मिला, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ कि ये जो हमारी पकड़ बैठे हैं ये मेरे जैविक पुत्र हैं। पुत्र कहिए, जैविक पुत्र बार बार मत कहिए। पुत्र तो पुत्र होता है। तो मैं और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस प्रख्यात परिवार से मेरा इतना समय का, जबकि डिफेंस मिनिस्टर से प्रोफेसर शेर सिंह जी उस दिन से मेरा इनसे संबंध हो रहा, और मैं सार्वजनिक रूप से भी और आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बगल में जो मेरे बैठे हैं ये मेरे पुत्र हैं। रोहित शेखर जी न्यूज पर इस वक्त लाइव है हमारे साथ। रोहित, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ध्यान से मैं आपको देख रहा था, कभी आप अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहे थे, कभी आप सिर पकड़कर बैठे थे। वो बड़ा क्षण जिसका आपको इंतजार था, जब खुलकर आपके पिता कहते कि आप ही उनके बेटे हैं, आप ही उनके उत्तराधिकारी हैं, आप ही उनके सच्चे वारिस हैं, वो क्षण जब आया तो आप इतने परेशान क्यों लग रहे थे? आपने ये सवाल क्यों पूछा? सही कह रहे हो, आपको भी कोई कहीं ना कहीं संशय होगा ना उनके जवाब से? जी मुझे है, वही संशय मेरे मन में। बात यह है कि क्या आपको उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
अब भी संशय है या आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं रोहित? काफी हद तक मिल गए हैं, और अगर किसी ने कोई खिलवाड़ या मेरी माता जी के साथ कोई गलत करने की कोशिश की तो उन्हें जवाब कोर्ट में मिलेगा। मेरे बहुत काबिल वकील है, मेरे बहुत काबिल वकील वहाँ पे हैं, वो भी इस पे नजर रखे हुए हैं। आप जो बात कह रहे हैं, आपको बार बार आप ये बात कह रहे हैं कि छल कपट नहीं होना चाहिए, मेरी माँ के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, ये आप क्यों कह रहे हैं? तो भाई जी, अगर आपके साथ ऐसा होता 30 साल 35 साल तक छल कपट नहीं होता तो ये केस क्यों होता? ये केस क्यों हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये केस होता? और ऐसा कभी केस उनके सामने भी नहीं आया। उन्होंने हाई कोर्ट ने आदरणीय मेरे हाई कोर्ट ने खुद माना है। रोहित, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मुझे ऐसा लगा जैसे कि पुत्र तो उन्होंने आपको कह दिया एनडी तिवारी ने, लेकिन आपको उत्तराधिकारी और वारिस कहने पर साफ तौर पे वो नहीं बोल रहे थे। वो लिटरली ऐसे लगा जैसे कि उनके मुंह में हाथ डालकर वो शब्द निकाले गए, जिसके बाद अंत में किसी ने पूछा कि आप ही उनके उत्तराधिकारी हैं, तो उन्होंने फिर से साफ साफ कहने की बजाय हाँ 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 इस तरह से कहा। कि आपको भी अजीब लगा ये? शायद उनका अंदाज है, मुझे लगता है ये उनके दिल की बात है, आपने निकलवा दी। ठीक है, आपको लगता है कि पत्रकारों ने जो लगातार सवाल पूछे, आपने भी उनसे बार बार पूछा, आपकी माँ ने भी पूछा कि भाई जो आप कहते हैं साफ साफ कहिए, अपने बेटे को बेटा तो मानिए। अगर बातें इतनी साधारण अगर बातें इतनी साधारण होती तो ये बात इतने 7 साल तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों टहलती है बात? आप लोगों ने कहा तो उन्होंने माना। इतना सब कुछ साधारण होता तो ये असाधारण क्यों होता? आप क्यों मेरी बात क्यों सुन रहे होते आज? रोहित, ऐसा खास क्या किया मैंने? आपके लिए ऐसा क्षण है जो कि बहुत लंबे इंतजार के बाद आया है जी। आप जब छोटे थे तो आपको किस उम्र में मालूम पड़ा कि वो दरअसल आपके पिता हैं? करीब 11-12 साल मेरी नानी ने बताया था, नानी जी ने। तो पहला आपका रिएक्शन, एक 11 साल के बच्चे का रिएक्शन क्या था? नहीं, मैं मुझे समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है मेरे साथ। क्योंकि आपकी बर्थडे पे वो आते थे, आपके साथ समय बिताते थे, आपके साथ खेलते थे, लेकिन उनको आप पिता नहीं कह सकते थे जी। ये सब कोर्ट में, ये सब मैं कोर्ट में बयान कर चुका हूँ सब सर, ये सब बातें हो चुकी है। और वहां से 13 साल का इंतजार, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब वो आपके सामने बैठते हैं, अपना बेटा आपको बोलते हैं, लेकिन क्या अभी भी आपके दिमाग में कुछ सवाल हैं या फिर ये कोर्ट केस आपकी तरफ से खत्म हो गया है? नहीं, आज के लिए मैं समझता हूँ कि मैंने बार बार यही मांग किया, अगर आपने मेरे कोर्ट को, आपने इस जो भी संवाद हुआ है जो पत्रकारों के साथ जो भी संवाद हुआ है, अगर आपने उसको गंभीरता से लिया है और सुना है, तो उसमें बार बार उन्होंने पूछा कि भाई आप इसको खुद गंभीरता से लेते हैं कि नहीं, तो उसमें मुझे ये लगा कि आज शुरुआत अच्छी है, आगाज अच्छा है, अंजाम देखते हैं, क्योंकि बहुत गहरा जख्म दिया उन्होंने, तो मरहम वही लगाएंगे, आज शुरुआत कर दी उन्होंने, मैं ये मानता हूँ। मैं इज्जत इस बात की नहीं जानते हैं उनके लिए, मैं रोहित बता रहा हूँ, रोहित शेखर के पिता। और एक जी बोले, आप बोले, आप बात पूरी करें जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अपने पिता के साथ अपनी तरफ से जो मेरा मन है, अपना ईमान है, उससे मैं उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, उनके पास चुपचाप उनके साथ समय, अपने पिता की सेवा में थोड़ा सा समय व्यतीत करना चाहता हूँ, जैसा हर बच्चा चाहेगा, यही चाहता हूँ मैं। पर क्या वो आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं रोहित, खुलकर बोले वो? अगर वहां से कोई आज आपके सामने, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं चाहते, आपने खुद ही, अगर कोई छल कपट है तो वो सामने आ जाएगा। मैं तो हमेशा कोर्ट की शरण में हूँ, आप ही लोगों की शरण में हूँ। आखिरकार एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा माना है, और रोहित शेखर की मां डॉक्टर उज्ज्वला इस वक्त हमारे साथ हैं,
और खुद केंद्रीय मंत्री शेर सिंह की बेटी हैं और युवा कांग्रेस महिला धड़े की जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी हैं। 1967 की वो बात है। उज्ज्वला जी, ये बताएं कि आपने भी राजनीति अच्छे से देखी है, लेकिन आज आपके बेटे ने एक बात कही एनडी तिवारी से जी हाँ। कि आप सिर्फ मेरी माँ का सम्मान करें, मैं ये चाहता हूँ। आप अपने बेटे के लिए क्या चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि एनडी तिवारी अपनी सीट से रोहित को लड़ाएं? जी नहीं, मेरा ऐसा कुछ ना तो इसके विरुद्ध है ना इसके समर्थन में, मैं इस बारे में अभी सोच ही नहीं रही हूँ। हमारा जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि, और जो रोहित ने ये याचिका डाली थी, इसका हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि जो सत्य है वो स्थापित हो जाए और हमारी जो प्रतिष्ठा है वो रिस्टोर हो जाए, डिग्निटी रिस्टोर हो जाए। और वो आज तिवारी जी ने किया, बड़ी प्रभु की कृपा थी। मुझे तो ये भी आशा नहीं थी कि इतनी जल्दी ऐसे घटनाक्रम इस तरह से बदल जाएगा। जी तो उज्ज्वला जी, क्या अब आपके दिमाग में कोई सवाल बचा नहीं है? क्या आपको लगता है कोर्ट केस अब खत्म हो जाना चाहिए, या आप चाहते हैं कि कम से कम वो वारिस माने जी रोहित को? क्या चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि एनडी तिवारी अब करें? जी जी, वो हम ये चाहते हैं, आगे बात भी हो चुकी है इस विषय में, कि जो उन्होंने यहाँ पर कहा है, सारे भारत के मीडिया के सामने, देश के मीडिया के सामने उन्होंने स्वीकार किया है कि रोहित शेखर मेरा पुत्र है, वही बात जो है उनको कोर्ट में भी स्वीकार करनी है, जिससे कि रोहित को डिक्री मिल सके और केस जो है वो एडजुडिकेट हो सके। वो बहुत जरूरी है, उस पर लीगल मोहर लगना जी। यानी आप चाहते हैं कि वो पेपर पे साइन करके ये माने कि रोहित शेखर न केवल उनके बेटे हैं बल्कि उत्तराधिकारी और वारिस भी हैं। जी, उत्तराधिकारी और वारिस की बात मैंने नहीं कही, मैंने सिर्फ यही कहा है कि जो सुपुत्र का अर्थ होता है, जो व्यक्ति कहता है कि ये मेरा नेचुरल सन है, तो उस पुत्र के कहने के साथ साथ जो अधिकार आते हैं वो स्वतः आते हैं। उस विषय में मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ना चाहती। डॉक्टर उज्ज्वला, बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज से बात करने के लिए। तो आपने रोहित शेखर की भी बात सुनी, आपने डॉक्टर उज्ज्वला शर्मा की भी बात सुनी जो कि रोहित की माँ है, और एनडी तिवारी का भी पक्ष आपने सुना। लेकिन लगता नहीं है कि मामला यहीं पर खत्म हो रहा है। जैसा कि रोहित शेखर ने खुद कहा, आज शुभ दिन है, आगाज अच्छा है, अंत कहां होगा ये देखना होगा।